how are you? I hope you all are fit and fine. So, where I am sitting? Are you missing this lab? Are you missing us? Yes, I know you all are missing us. अभी आपको लगेगा मैडम यहाँ पे क्या कर रही है? This is our SST room, right? I am your SST teacher. I am going to teach you SST for this year. And why I am sitting here? कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और आप भी मेरे को मिस कर रहे हो. ये लैब को हमारे मिस कर रहे हो, एसएससी लैब स्पेशली, राइट? एंड आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, सो मेनी थिंग्स आर रिटन हियर कि आपको क्या करना है, यहाँ की न्यूज, वहां की न्यूज. ओके, व्हाई आई एम रीडिंग दिस न्यूज़पेपर? और आप ऐसे सोचेंगे कि मैडम को क्या हुआ, ये न्यूज़पेपर के बारे में क्यों बोल रहे हैं? तो क्यों पढ़ रही हूँ आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन में जो रशीदा नाम की लड़की है उसको न्यूज पढ़ते टाइम कुछ क्लिक हो, कुछ उसके मन में क्वेश्चन आ गए, जैसे आपको भी आते होंगे, आपको आने ही चाहिए. तो जो लेसन हम पढ़ने जाने वाले हैं उसका स्टार्टिंग ही न्यूज़पेपर और रशीदा को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम अभी हम देखेंगे. ठीक है, ओके, चलो. तो आज का लेसन नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी. सो आई नो, आई वांट टू नो अबाउट दैट कि डू यू हैव योर ग्रैंडपेरेंट्स एट होम? Are they telling story? I know that you are little grown up, even though I'm asking to you. कि आपको ऐसे लगता है क्या कि आपकी दादी, दादा और इवन योर मम्मी पापा कि आपको स्टोरी बताए कि हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में वो था, हम ऐसे खाना खाते थे, हमारे जमाने में हम फल तोड़ के लाते थे, राइट? सो आपका जमाना अलग है, उनका जमाना अलग था, राइट? उनकी लिविंग स्टाइल अलग थी. यही हम सब देखने वाले हैं आज. तो यह है हमारा आज का टॉपिक, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. सो रशीदास क्वेश्चन, रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. व्हाट वाज द हेडलाइन? 100 इयर्स अगो. हाउ शी वंडर्ड कुड एवरीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो, राइट? उसको भी देखो बेसिक क्वेश्चन पढ़ा कि 100 इयर्स अगो में क्या हुआ होता होगा, क्या हुआ होगा. ओके, सो नेक्स्ट, यस्टरडे वी कुड लिसन द रेडियो, वॉच द टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर. इट मींस वी कैन थिंक अबाउट यस्टरडे, मीन्स हम कल क्या हुआ था वो इमिडिएटली बता सकते हैं कि कल हमने वो मूवी देखा था, कल हमने पिज्जा खाया था, कल हमने ये किया था, वो किया था. इवन उसके आप पहले दिन भी हम बता सकते हैं कि क्या हुआ था, एक महीना पहले के बता सकते हैं, दो महीने, वन ईयर, ऐसे हम बता सकते हैं. लास्ट ईयर ऑल्सो आज समबडी हु रिमेंबर वॉट हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो. पर क्या आपको मालूम है कि 100 ईयर्स अगो क्या हुआ था, क्या करते थे वो देखेंगे. नेक्स्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, वेयर डू पीपल लिव, मूवमेंट ऑफ पीपल, व्हाई डू दे ट्रेवल, नेम्स ऑफ द लैंड्स, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, डिफरेंट पार्ट्स, पास्ट, वन पास्ट और मेनी पास्ट, व्हाट डू डेट्स मींस. ओके, इन होल चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न दीज points. Okay, so one by one we'll see. In that, what? क्या क्या होता था? Okay, then what type of clothes they were wearing? What type of food they were eat? What type of houses was there that time? Then their life, means hunters, farmers, rulers, merchants, princes, and scientists. These are the steps they develop in there. Okay, so look at this. Where do people live? In that, people live in a settled agriculture, but not before this.
here you can see in your textbook, find the river Narmada on the map, page number 1. They said the map is already given in your textbook, you have to see, and you can see the Narmada river. Okay, so here is the Narmada river. So nearby they started living, aisa bola jata hai, and they started agriculture. Okay, so people live near along the banks, river banks. Do you know what is meant by banks? जो मेन रिवर होती है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. ओके, रिवर बैंक का मतलब है कि नदी किनारे रहना. ठीक है, उसमें दे लिव अलोंग बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर द सेवरल हंड्रेड थाउजेंड इयर्स. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदर्स. उन्होंने गैदर मीन्स वो फूड इकट्ठा करने लगे थे. ठीक है, पहले वो ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप में रहने लगे, उसके बाद हंटिंग सीखा उन्होंने, उसके बाद कि हमको कैसे जीना है और हमको क्या करना है, इसलिए वो फूड इकट्ठा करने लगे. समझे? नेक्स्ट, एरिया सच एज सुलेमान एंड कितार हिल्स, गारो हिल्स to the north east and the Vindhyas in the central east. यहाँ पे आपको मैप में दिखाई देगा कि सुल्तान हिल्स, जो कतार हिल्स, ये पाकिस्तान की तरफ है नॉर्थ में, और सुलेमान हिल्स, यहाँ पे वो लोग रहने लगे, यहाँ पे उनकी शुरुआत हो गई. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि गारो हिल्स है, तो गारो हिल्स की तरफ भी कुछ रहने लगे. उसके बाद इन सुल्तान सुलेमान एंड कतार हिल्स वुमन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली 8000 इयर्स अगो. यू कैन सी हियर, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे इट इज लिटिल ब्लर बट आई कैन शो हियर मी सुलेमान हिल्स है, कतार हिल्स है, और यहाँ पे है गारो हिल्स. ओके, तो यहां से उन्होंने वीट और बार्ली उगाना शुरू किया. देखो यहाँ पे, ओके, व्हाट दे स्टार्टेड टू ग्रो वीट एंड बार्ली, यहाँ पे देखो गारो हिल्स. देन एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास सेंट्रल इंडिया. यहाँ पे आपने देखा विंध्यास सेंट्रल एंड यहाँ पे गारो, यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया. उसके बाद का पार्ट है कि ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स. व्हाट इज द ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरी मीन्स जो रिवर होते हैं मेन, उसके छोटे छोटे पार्ट निकलते हैं तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. Smaller rivers that flow into a large river, okay? और छोटे छोटे रिवर्स बन के वो एक दूसरे के साथ मिलके सी को कलेक्ट होते हैं. अबाउट 4700 years ago, some of the earlier cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries. And along the sea coast. Okay, ये पार्ट समझ में आ गया. उसके पास नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे. उसका क्या है? लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सब. जो गंगा ये है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड सब, उसको सब बोलते हैं. इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द सब. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पीपीटी and the topic, even though I am going to explain from your textbook now, so just listen it carefully. So what do you mean, what do you think about the history? Do you know what is mean by history? So history is the study of the event that happened in the past in the sequence of the occurrence. It tells us about how early humans lived
and progressed over thousands of years. History also studies how our past affects the way we live now. Understood about the history? Now, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो में कि आपकी दादी जो आपके साथ बैठती होगी, दादा बैठते होंगे, दादाजी, वो उनके ज़माने के बारे में आपसे डिस्कस करते होंगे शायद. तो व्हाट दे सेड कि योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर्ड अबाउट देम द नरेट द स्टोरीज लाइक व्हेन वी वेर यंग वी डिड दिस थिंग्स वेर लाइक दिस एंड सो ऑन. ओके, सो थिंग्स ऑल अराउंड यू आर चेंजिंग एट अ रैपिड स्पेस, राइट? यू कैन सी द चेंजेस. आपके मम्मी पापा का जमाना और आपका जमाना कितना डिफरेंस है. ओके, सो सेम वे शी इज रशीदा एंड शी सैट रीडिंग अ न्यूज़पेपर. सडनली हर आईज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन ऑन 100 ईयर्स अगो. हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन हाउ व्हाट हैपेंड. ओके, सो हियर यू कैन सी द फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे. जस्ट आई एक्सप्लेन इन दैट वीडियो बिफोर दैट इन द स्लाइड कि कल क्या हुआ था हमको मालूम है, उसके पहले क्या हुआ था वो भी मालूम है, 8 दिन पहले, महीना पहले, ईयर्स अगो. ओके, सो ये तो आपको क्लियर हो गया. उसके बाद व्हाट वी नो अबाउट आर पास्ट. देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artist, musician and scientist. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जमाने में hunting कैसे होता था, herders कहते थे, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, ये सब वो जमाने में कैसे खुद को उन्होंने बदला, ठीक है, उनमें कैसे improvement होती गई. तो we can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw and the songs they sang. So, वो जमाने में कौन से खेल खेले जाते थे. अभी आपके जमाने में तो मोबाइल पे ही आप गेम खेलते थे, हमारे जमाने हम बाहर घूमते थे, यहाँ खेलो वहां खेलो पेड़ पे चढ़ो ऐसे करते थे, है ना. Actually that games were so nice. Instead of using mobile and playing on a game on mobile, it's harmful for you. I know कि अभी मोबाइल पे ही सब हो रहा है, आपकी स्टडी भी मोबाइल पे हो रही है. इवन दो आफ्टर स्टडिंग जस्ट कीप मोबाइल असाइड एंड जस्ट प्ले अ फिजिकल गेम. ओके, आई एम नॉट टेलिंग कि बाहर जाओ और खेलो, आप घर में भी कुछ फिजिकल गेम खेल सकते हो, वो खेलो, ठीक है, बाहर कोरोना, आई नो दैट. Then next point is, where did people live? Find the river Narmada on a map, 1, page number 2. So here you have to see that, you can see here that Narmada. Okay, they said to see on a map. Here, people have lived along the banks of this river for a several hundred thousand years. River bank ka matlab hota hai ki nadi kinare rehna, theek hai? Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. जैसे कि मैंने बताया कि food को इकट्ठा करके वो रखते थे. Food कैसे इकट्ठा करना वो उन्होंने अपने इसमें development किया. Then they know about the vast wealth and the plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forests produce for their food. Also, they hunted animals. Okay, so यहाँ पे क्या बताया है कि वो fruits collect करना, forest में से fruits ढूंढना, उनको खाना, उसके बाद roots collect करना, वो भी खाते थे वो. उसके बाद उन्होंने hunting करना सीखा, उसमें animals कैसे hunt करते, उसको कैसे खाया जा सकता है, उसमें भी उनकी improvement हो गई. वो वहां वो टाइम पे वो ऐसे करते थे. उसके बाद का टॉपिक है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट.
तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे देखो किरतार हिल्स एंड सुलेमान जो नॉर्थ में है, ये पाकिस्तान की साइड, ठीक है। देन सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे पहली बार उन्होंने वीट और बार्ली जैसे क्रॉप्स ग्रो करना सीखा किया, ठीक है। तो अबाउट 8000 ईयर्स अगो दे लोकेटेड हियर, पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक अ शीप गोट एंड कैटल। उसके बाद उन्होंने रेयरिंग मीन्स जानवर पालना शुरू किया, ठीक है। देन लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो गारो हिल्स यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है और जैसे कि नर्मदा के ठीक ऊपर विंध्या, इन इंडिया सेंट्रल हम बोलते हैं उसको, यहाँ पे विंध्या है, ठीक है। देन दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, अभी जो मैंने एरियाज बताए वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा था। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यहाँ पे विंध्यास के एरिया में पहली बार राइस ग्रो उन्होंने करना शुरू किया था। देन ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब है कि आर द रिवर्स स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इन टू अ लार्जर रिवर, जो बड़ी नदियाँ रहती है उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकल के वो बड़ी नदी बन जाती है। देन अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सीज कॉस्ट, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको स्लाइड शो में। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज अ मगधा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। मगधा अभी बिहार में है, पहले वो गंगा एज अ नोन एज अ मगधा, अभी वो बिहार में से। इट्स रूलर वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, यहाँ का जो किंगडम था वो बहुत ही बड़ा था। तो किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट ग्रुप और जगह पे जाके सेटल हो गए। देन थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज डेजर्ट्स रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल, जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने हिमालयाज में डेजर्ट में रिवर्स में बहुत सारी जगह पे उन्होंने ट्रैवलिंग किया, उनके लिए वो टाइम पे बहुत डेंजरस भी था, एनिमल्स थे, फ्लड आते थे, ड्रॉट्स थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने ट्रैवल करते रहे, खुद को सेटल करते रहे, ठीक है। देन सो मेन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च लिवलीहुड एज ऑल्सो दे एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। समटाइम्स मेन मार्च एंड आर्मीज कंट्रीज अदर्स लैंड्स बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल विद द कैनवास और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैनवास मीन्स कारवा ग्रुप, एक जगह मीन्स बहुत बड़ा ग्रुप, ग्रुप में मिलके ही यहाँ से वहाँ जाना, और उसके साथ वो क्या कैरी करते थे, फूड, शीप, सब, ठीक है। देन एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एंड एडवाइस द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट एंड एडवेंचर वॉन्टिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेस, ऑल दीज लीड टू शेयरिंग आइडियाज बिटवीन द पीपल। देखो आप,
अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के कल्चर अलग होते हैं, वहाँ का फूड अलग होता है, तो वो एक टाइप का शेयरिंग हुआ, अपने अपने आइडियाज़ वो शेयर करने लगे। अभी महाराष्ट्र का फूड अलग है तो गुजरात का फूड अलग है, साउथ का फूड अलग है, पर हमको ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है ना, हमारे कल्चर की, हमारे फूड की, हमारे सब संस्कृति की सब आइडिया शेयर होते हैं, ठीक है। देन व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, लुक एट द मैप। वन, हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फॉर्टिनर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। व्हाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फॉर्टिनर्स एंड दोज हु वॉन्टेड टू कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी, पीपल फ्रॉम Across the foreigners also came into a subcontinent settle here। ठीक है, तो अभी आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। आपको क्या करना है, मैं डे वन से ही सिखाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत से पार्ट्स कवर करने हैं। आपको आज क्या करना है, ये पूरा लेसन आपको पढ़ना है, समझ के लेना है। अगर आपको कुछ डाउट है तो हम जब जूम पे लाइव लेक्चर लेंगे तब हम वापस डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।